बेड़ी बांध मिलखा, तू आग मिलखा, तू जाग, अब तू जाग मिलखा, तू है आग, तू है आग मिलखा।
दोबारा कराएंगे नेक्स्ट ईयर, तो आओगे ना? कौन कौन आएगा नेक्स्ट ईयर, आप खड़ा करके बताएं। ठीक है, स्कूल में हमारे टीचर जब बोलते कोई भी कि आज अम्बेडकर जयंती है, मैं सभी देशवासियों को इसकी बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान हमारा बनाया, क्या उनकी भूमिका रही। आज वही संविधान हम सबको चलना सिखाता है। आज उसी के उपलक्ष्य में पश्चिमी लोकसभा में हमारे सारे स्कूलों के बच्चों के साथ में हमने 3 किलोमीटर की एक दौड़ का आयोजन किया। हज़ारों की संख्या में उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, बच्चों में बड़ा उत्साह था। और इसमें हमने 4 कैटेगरी रखी थी, एक तो बॉयज़ और गर्ल्स और एक सीनियर और जूनियर, तो ऐसे 4 कैटेगरी में बच्चों ने भाग लिया और हज़ारों की संख्या में भाग लिया। तो मैं सभी स्कूलों का, सभी बच्चों का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बाबा साहब ने जो हमें सिखाया कि समानता और सद्भावना, ये शिक्षा हमेशा हमारे बच्चों में रहनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चों में और ज़्यादा खेलों के बारे में हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए, देश में खेल और आगे बढ़ने चाहिए। उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम लेके आए, हमारे देश के आज जो भी खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड में चैम्पियन बन रहे हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है और जितना वो स्कीम लेके आए हैं, जितनी पॉलिसी उन्होंने बनाई है और जो उनका खिलाड़ियों से खुद एक इंटरेक्शन रहता है, पर्सनल इंटरेक्शन रहता है, उनसे बातचीत रहती है, वो खिलाड़ियों का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ऐसी दूरदर्शिता से मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ओलंपिक में भी हमारी अच्छी पोजीशन आया करेगी। एमपी के तौर पे आपने भी पीछे परीक्षा पे चर्चा, बच्चों के साथ भी आपका खासा लगाव है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्ट्रेस को फ्री करते हुए खेलों में भी अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम वॉरियर पे जो हमने ड्राइंग कंपटीशन कराया था, उसका भी ये मकसद था कि बच्चों के मन से डर, जो परीक्षा का डर है, उसको हम कैसे निकालें और बच्चे परीक्षा को भी अच्छा मैनेजमेंट करके उसको इंजॉय करें, अच्छे नंबर तभी आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं, उन्होंने भी एक अपना किताब लिखी है बच्चों के लिए, एग्ज़ाम वॉरियर बुक, उसमें भी कहा है कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और बच्चे अगर योगा करें, खेल कूद करें, स्पोर्ट्स में भाग लें तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो ये भी उसी का पहलू है कि आज बच्चों ने इतना खेल में भाग लिया, रन में भाग लिया और बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने 3 किलोमीटर भागा, तो मैं भी उनके साथ में भागा। तो प्रधानमंत्री जी हमें अपना जो भी काम करने के लिए बताते हैं, हम उसको बेखूबी करते हैं और सारी जनता उसको एंजॉय करती है। ये आज हमारे जो क्षेत्र के माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने यहाँ पे एक एमपी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसका पार्ट आज एक रन हुआ था, तो बहुत ही आज अच्छा उसमें पार्टिसिपेशन रहा बच्चों का। और जो ये रन हुआ, करीब 3-4 किलोमीटर करीब का रन था, उसमें हमारे तरफ से अरेंजमेंट अच्छा था ही, ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छा था, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग एज कैटेगरी के पार्टिसिपेट किए और बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल बना इससे। ये आज वैसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छी मैराथन जो स्कूल्स के बच्चे हैं और 4 कैटेगरी के बच्चों ने, कई हज़ार बच्चों ने आज यहाँ भाग लिया है। निश्चित रूप से मैं बच्चों को भी बधाई देता हूँ, विशेष रूप से प्रवेश जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि ये एमपी खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ भी हो रहा है कल से। कल आप देखेंगे कि जो अपना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है सेक्टर 11 में, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ रहे हैं और सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के बच्चे, कई हज़ार बच्चे, लगभग 12,500 बच्चे कल उसमें भी भाग लेंगे। बहुत अच्छा ये आज का दिन था जो हमारे एमपी उसके अंदर मनाया गया है और उसके अंदर बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर खुद अपने आप यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी प्रवेश वर्मा जी और आप डीसीपी साहब, हमारे इस एरिया के जो हैं पूरा वेस्ट दिल्ली के ज़िले के हर्षवर्धन जी, इन्होंने खुद साथ में दौड़कर ये बता दिया कि
अगर बच्चे इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमारी तरीके से उन्हें ऊंचे स्थान पे पहुंच सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं थी। इन्होंने ये दौड़ के ही दिखाया है, रास्ता दिखाया है बच्चों को कि ये हम बच्चों के साथ हैं और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और इन्होंने बढ़ा के बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। यहाँ पे बच्चों ने समाप्त किया है और मुझे बहुत खुशी मिली कि सारे स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आन के उनका जो लास्ट प्रोग्राम रहा वो यहाँ पे वेलकम किया गया, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया और उनको उत्साहित करते हुए अग्रसर किया गया। उसके लिए मैं सब बच्चों को अपने दिल से पूरा धन्यवाद करता हूँ, भगवान करते हैं, भगवान से ये विनती करता हूँ ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। फ्रेंड्स, तो आज हमारे स्कूल में मॉडर्न इंटरनेशनल में मैराथन की पार्टिसिपेशन हुई थी, सारे बच्चों ने भाग लिया पूछ सकते हो, और बहुत ही अच्छा लगा, सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड सभी को प्राइजेस मिले हैं और रिफ्रेशमेंट मिली है और बहुत ही अच्छा लगा। हर साल होता है तो मैं आप सभी को कहूँगा कि इसमें पार्टिसिपेट करें। आप सभी को अंबेडकर जयंती की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, थैंक यू।